इस नाले का निर्माण कार्य लगभग एक वर्ष के अंदर पूरा करने की बात भी मंत्री ए के प्रसाद द्वारा कही गई। नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने यह भी कहा कि फैजुल्लागंज में जलभराव बड़ी समस्या थी, फैजुल्लागंज के लोगों को समस्या से निजात मिलेगी। फैजुल्लागंज में नाला निर्माण से लोगों को राहत मिलेगी। निर्माण के लिए 45 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से लखनऊ उत्तर विधानसभा के डॉक्टर विधायक नीरज बोरा, एमएलसी मुकेश शर्मा और नगर निगम के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। ये चारों वार्डों की पानी जल भराव की समस्या बहुत ही पुरानी है। पब्लिक लाइफ थोड़ा सा आगे करें नीचे। और लखनऊ के राजधानी जैसे क्षेत्र की, शहर की एक बहुत बड़ी समस्या थी। किसी ने हमको इस शब्द का उपयोग, मैं पता नहीं उचित है या नहीं, लेकिन किसी ने हमको उस समय बताया था कि एक तरह से लखनऊ का कोढ़ है, इसे दूर करना बहुत आवश्यक है। तो लखनऊ की इस बहुत पुरानी समस्या को संयोग से पिछले साल बरसात के दिनों में, मैं जब बरसात हुई थी, अतिवृष्टि हुई थी, उसी दिन मैं निकला था देखने के लिए कि कहाँ क्या हो सकता है, कहाँ क्या परिस्थितियाँ हैं। और उस समय उन्होंने बताया, लोगों ने बताया कि फैजुल्लागंज का जो नाला है, जब तक इसे ठीक नहीं किया जाएगा तब तक ये समस्या हर वर्ष आती रहती है। तो उसमें बाद में पूछने के बाद पता चला कि लगभग 8 से 9 किलोमीटर लंबाई का एक नाला बनना चाहिए, कई जगह कच्चा, कई जगह पक्का, और उसमें कई जगह इंक्रोचमेंट भी है, कई जगह और समस्याएं हैं, बढ़ गया है नाला। ये सारी समस्याओं के निपटारे के लिए लगभग 45 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बन करके तैयार है। अगर उसकी स्वीकृति हो जाए, वो काम हो जाए, तो ये इस समस्या से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिलेगी। मैंने उसी दिन इस कार्य की स्वीकृति दिया था और बाद में इसकी औपचारिक स्वीकृति भी अभी मार्च के महीने में हमने करवा दिया है। अब का आज का ये शिलान्यास का कार्यक्रम था। आने वाले दिनों में ये कार्य अब शुरू होगा और उससे लगभग 1.5 से 2 लाख फैजुल्लागंज क्षेत्र की रहने वाली आबादी जो है लाभान्वित है। कितने दिन में सर? साथ ही ऐसा मुझे बताया गया कि लगभग 1 साल के अंदर ये इस नाले का जो काम है वो पूर्ण हो जाएगा। साथ ही बड़े नाले का काम करने के साथ साथ मुझे लगा कि जो छोटी नालियाँ होती हैं, जो मोहल्लों में से, वार्डों में से, चारों वार्ड में से जो नालियाँ निकलती हैं, वहाँ भी अगर कोई अवरोध होगा, रुकावट होगी, तो पानी नाले तक पहुँचेगा नहीं, फिर फायदा नहीं। तो उसके लिए भी लगभग 3 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हमने सड़कों के, नालियों के सेंक्शन किए हैं चारों वार्ड। मैं मानता हूँ कि इससे, और साथ में जानकीपुरम का जो पंपिंग स्टेशन है उसके लिए भी 5 करोड़ रुपये का धनराशि स्वीकृत करके नए स्थापित करने की प्रोजेक्ट दी गई है। इस प्रकार कुल लगभग 53 करोड़ रुपए के कामों का आज शिलान्यास हुआ है।